Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to convert degree Celsius into foreinheight. Degree Celsius को foreinheight में बदलने का ये program है और उसी को हम सीखने वाले हैं. तो चलिए आइए अपनी turbo ID को open कर लेते हैं. सबसे पहले यहाँ हमारी turbo ID open हो चुकी है. अब यहाँ पर जैसे ये open होगी तो हमें यहाँ पे program लिखना होगा. आइए समझते हैं ये program हमें क्या लिखना है. सबसे पहले तो open कर लेते हैं एक file, ठीक है, और ये पुराना जो इस पे लगा हुआ है इसको हटा देते हैं. क्या लिखेंगे देखिए, include stdio.h, फिर यहाँ लिखेंगे hash include conio.h. ये लिखने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ सब void main देंगे. एक कीवर्ड होता है जो कुछ भी रिटर्न नहीं होने देता है. इसके बाद यहाँ वेरिएबल बनाएंगे तो हम बनाएंगे फ्लोट टाइप का वेरिएबल, ठीक है. एक वेरिएबल सी बना लिया, एक वेरिएबल एफ बना लिया, टर्मिनेट किया. देखिए यहाँ कॉमा देना है हमें, ये ध्यान रखिएगा आप. तो ये हमने कर लिया, कुछ हद तक हमने काम कर लिया है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखना है कि स्क्रीन क्लियर होती रहे. तो स्क्रीन पुराना आउटपुट हटता रहे तो इसके लिए CLR SCR लगा दीजिए आप, ठीक है. CLR SCR लगाने के बाद यहाँ अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है. तो लिखते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे देंगे हम प्रिंट एफ में एंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये दे दिया हमने, सॉरी सी होगा, सेल्सियस ये दे दिया हमने. इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और अब स्कैनअप लिखेंगे. स्कैनअप आके वैल्यू स्टोर होगी तो यहाँ पे स्कैनअप कर देंगे परसेंट एफ और यहाँ पे जो वैल्यू वो डिग्री सेल्सियस में होगी तो सी लगा देते हैं, चूंकि सी वेरिएबल एक हमने बना रखा है इसी के लिए. तो ये सी लगा दिया हमने. इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1.8 इंटू सी प्लस, यहाँ प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, 32, ठीक है. ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करने का, ठीक है. और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हम प्रिंटएफ से प्रिंट करवा देंगे इसी चीज़ को. तो प्रिंटएफ लिखा हमने और डबल इंटेड कॉमा हम लिखेंगे टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट और ये जहाँ जाके स्टोर होगी वहाँ आप, यहाँ पे एफ दे देता हूँ मैं क्योंकि फॉरेनहाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे गेट सीएस नीचे लगा लीजिए आप ताकि स्क्रीन पॉज होती रहे. तो ये हो गया हमारा काम, बहुत ही आसान. अब इसको सेव करने की बारी. तो ये सेव हो गया है प्रोग्राम हमारा. अब इसको कंपाइल करवाते हैं. ये सक्सेस हो गया आप देख सकते हैं और यहाँ से इसको रन करवा दीजिए. तो यहाँ पे आ रहा है लिख करके इंटर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस में जैसे 66.8 एंटर किया हमने, इसको कन्वर्ट कर देगा ये फॉरेनहाइट में, देख सकते हैं आप. मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ तो ये देखिए जैसे 89 है. अब इसको 89 है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया इसने. डिग्री सेल्सियस में था, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्रोग्राम हम बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.